वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्को बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का एजेंडा है भाई कि हम लोग जो पिछली बार पैरट फिश कुछ तो इशू हो गया था, मैंने पूरा वाटर चेंज कर दिया था, तो अंदर टर्टल पॉन्ड से हम फिश निकालेंगे और इसमें डालेंगे। प्लस आज हम अपने इगुआनास भी वापस ला रहे हैं, तो जल्दी उनको लाते हैं और फिर जब तक ट्रांसफर करेंगे और इगुआना लेके आएंगे और प्लस सबको फीड करते हुए ये वीडियो दिखाएंगे। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा हमारा जो आपको भी दिखा रहा था चार्ली, और ये रहे हमारे पीस मॉन्स्टर। सो इनको घर में ले जाके अच्छे से फिर दोबारा से सोख देता हूँ। इन्होंने भी दिया है लेकिन वहाँ पर इनको अच्छा खासा सोख करेंगे फॉर 30 मिनट्स, ताकि इसका जो इसकी स्किन है लेयर दोबारा वापस आ जाए। बट ये पीस पहले से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। फाइनली ये अभी आपने देखा कि हमने इगुआनास को नहाने डाल दिया, इनका घर वापस आ गया। बेचारे काफ़ी टाइम से इसके नीचे थे, तो इनको वापस से अब डालते हैं। चिक्कू को अपना घर दिखते हुए अच्छा भाई चिक्की जैसे ये देता हूँ तो उसको समझ में आ जाता है। तोड़ मत तोड़ मत, ये तेरा नया घर। ये इनसे दोस्ती हो गई, इनको इसमें पता है कि आना आ जाते हैं एकदम दोनों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल वापस घूम अच्छे से जाते हुए। तो इगुआनास बात के बाद वहां पे आ जाएंगे और ये देखिए वापस अपने नए घर में आ चुके हैं। वैसे ये इनको रूम में खोले रहते हैं और यहाँ यूजली बैठते हैं, उसकी वजह से इन्होंने हगना बहुत मचा, बहुत ज़्यादा हगते हैं और पॉन्ड को भी गंदा कर देते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इनको रात को इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा चिक्की अंदर खाते हुए, और ये चीकू, और सारे खिलौने लग गए हैं मस्त एकदम आराम से। दोनों को अभी खाना डाला है अभी मस्त खाते हुए। ये देखिए सनफ्लावर सीड्स। सो बाय द वे गाइस, सनफ्लावर सीड्स विथ ये स्किन देना ज़्यादा अच्छा रहता है राधा दिन जो फील्ड वाले होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं क्योंकि इसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट रहता है। तो ये दोनों आराम से खाते हुए। चलिए अब इगुआना को वहाँ अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये रहे हमारे बात लेने के बाद इसको हम वाटर सकते हैं, प्लस इनको सोख लिया है तो थोड़ी देर इनकी बास्किंग लाइट भी हम लगा देंगे। रेड गए अंदर मस्त होके, अब इनको हम लगाते हैं बास्किंग लाइट। अब इनको हम ऐसे लगने देंगे बास्किंग, देखिए आराम से
मल्टीटास्किंग का आनंद लेते हुए। और इधर ही ये बास्किंग, इधर सनलाइट आ जाती है और दोनों लगा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से पूरा बास्किंग। अभी फिलहाल आपने इग्वानास देख लिए और ये देखिए आराम से अभी एक वहाँ बैठा हुआ है और प्लस ये यहाँ बैठा हुआ है, तो दोनों भी यहाँ फिलहाल बैठे हुए। चलिए अब फाइनली मोटर को मैं बंद करता हूँ और कोशिश कर, तो मैं फिलहाल ये कवर लेके आ गया हूँ क्योंकि इनको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा अभी हल्का सा डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं अभी देखता हूँ पहले पूरी फिशेज को मुझे ढूंढना है, तो पूरी फिशेज ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैंने जुगाड़ कर लिया है, ये मैंने इस तरीके से पानी भर के यहाँ क्लिप लगा दिए, अब पकड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेट को ही लेते हैं, जो रेड पैरेट है हमारी टर्की के बीच में बसती हुई, ये है हमारी। एक और पैरेट येलो वाली डाल देता हूँ, ये हमारी येलो पैरेट, इन दोनों को और पानी सब देता हूँ। इन्होंने ऑलरेडी इसमें छेद कर दिए हैं, दूसरी पॉलिथिन पर इसको भी लगा देता हूँ मैं जुगाड़ू, इनको पकड़ते हैं। कितना प्यारा कलर है, एक छोटी सी कहीं भी हमारे बहुत जल्दी से टर्टल आने वाले हैं, इसमें हम लोग 2-3 टर्टल ऐड करेंगे। बाहर निकल गई कि अच्छा टूट के निकल गई, वही मैं सोचूं दो कैसे हो गए, यहाँ से पॉलीथीन से निकल गई बाहर। रैपअप कर देते हैं, तो गाइस ये कर लिए, अब चलो इनको हम जल्दी से एक्लिमेट करने के लिए डालते हैं एक्लिमेशन के लिए। तो चलिए अब इनको हम एक्लिमेट होने के लिए डाल रहे हैं, ये गई है टीम में थोड़ी, और ये सो अब इनको एक्लीमेट होने देते हैं 20-25 मिनट, फिर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जब तक ये एक्लीमेट हो रहे हैं आपको चलिए जल्दी से सब पे फिश फीड करते हैं, फ्लोरों को खिलाना है, बालकनी पॉन्ड में खिलाना है, उनको खिलाते हैं और अंदर वाले फिशेज को भी खिलाते हैं। चलिए भाई ये हमारे फिशेज की देखिए, और आप वो फिल्टर सिस्टम देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और कितना नेचुरल लग रहा है। तो पिछला अगर आपने ये चेकआउट नहीं किया तो मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, आप पूरा देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे बनाया, और अभी आप देखिए कि कितने सारे मस्त तरीके से खाते हुए और काफ़ी बढ़िया लगते हुए पूरा। वो प्लांट अब रिवाइव हो रहा है, नहीं तो चला गया था, और बाकी ये सब तो आपको देख लो जिस तरीके से सब।
अब बारी है हमारे जूनियर हल की। ये देखिए इस यहाँ पे, तो अब इसको खिला रहे हैं। ये देखिए खाते हुए इसकी टैंक की भी सफाई करनी है थोड़ी इसके, और अभी अगला रहेगा टारगेट इसके टैंक की सफाई करनी है, और प्लस अपना अंदर टर्टल इंडोर पॉन्ड की भी सफाई करनी है। चलिए अब अंदर जाके खिलाते हैं। जैसे कि बोल रहा था इसकी सफाई जल्दी से करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो फिलहाल अभी डाल देता हूँ तक। तो ये बड़े शार्क्स और ये दोनों लोग यही खा लेते हैं खाली आराम से। टर्टल अभी अंदर घुस गया, वो भी जल्दी से खाएगा और उसने खाना स्टार्ट कर दिया। बाकी चलिए यहाँ पे खिलाते हैं। ये देखिए हमारी पैतराज और ये सब, ये देखिए सब खाते हैं। तो इसमें रेड शॉर्ट टेल और अपने गपीज टेट्राज एंड गपीज हैं इसके अंदर, और काफ़ी बढ़िया से चल रहा है और अच्छे तरीके से खा रहे हैं ये। तो इसमें तो अब और कुछ एडिशन नहीं बढ़ाने भी, अगर कुछ नेचुरल प्लांट डालना होगा तो वो डाल देंगे। बाकी चलिए जैसे ही एक्लिमेट का टाइम होता है उनको हम जल्दी से सेट करते हैं। तो चलिए अब एक्लिमेट हो चुके हैं वो, और इनको जल्दी से निकालता हूँ। तो इनका पानी मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि गंदा है, तो निकाल देता इनको अब रिलीज करते हुए। चलिए अब हम इनको भी निकालते हैं, जल्दी से डालते हैं। ये था वीडियो जिसमें हमने अपने सिकलेट्स और पैरेट्स इसमें मूव कर दिए हैं और टचवुड सही बने रहे। और बाकी अगर आप मेरा चैनल पहली बारी देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से टर्टल लाने वाला हूं अंदर टर्टल इंडोर पॉन्ड के लिए, जैसे ही स्टॉक अवेलेबल होता है। और फ्लोरॉन टैंक की सफाई करनी है, इंडोर टर्टल पॉन्ड की सफाई करनी है। बाकी आपको ऐसे अपडेट्स देता रहूँगा। और आपने अगर मेरे वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आएगी, यू कैन गो एंड चेकआउट। सो ऑल कंटेंट इज अबाउट बीइंग अ हॉबिस्ट। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने में पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, डू लाइक एंड कमेंट। और जो ऑलरेडी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, गाइज थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थोड़ा आप अपने दोस्तों और थोड़ा स्प्रेड करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, अटक से गए हैं। सो लेट्स एम फॉर अ 40K सून। एंड इस वीडियो में हम कम से कम 500 to 600 लाइक्स का एम करते हैं। बाकी अब अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।